वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्सेंस आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। इसमें बैक टू बैक लेक्चर आ रहे हैं। अगर आप सीक्वेंस के साथ लेक्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि सीक्वेंस के साथ फॉलो करें ताकि आप बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट समझ सकें। ओके, क्योंकि अगर आपको पिछले कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए तो अगले जो लेक्चर्स आ रहे हैं वो सारे पिछले लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करते हैं। तो जैसे कि हम लूप्स के टॉपिक्स को पढ़े थे, हमने लूप्स को पढ़ा, उसकी टाइप्स को पढ़ा, फिर हमने लूप से टेबल बनाना सीखा। आज हम लूप्स को यूज करते हुए इवन नंबर और ऑड नंबर प्रिंट करना सीखेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, जल्द से जल्द अपना डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ। मैंने पहले से ओपन कर रखा है और प्रोग्राम भी पहले से लिख रखा है। ओके, तो इसको हम समझते हैं कि ये किस तरह से हमें ऑड नंबर देगा या इवन नंबर देगा। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता है ना कि ये इंट मेन वगैरह हमने लिखा हुआ है। असल जो कोड है वो इतना सा है। ये जो कोड है ना, ये हमें हेल्प करेगा इंटीजर नंबर को प्रिंट कर ऑड नंबर को प्रिंट करवाने में और इवन नंबर को प्रिंट करवाने में। मिसाल के तौर पर सबसे हम पहले करते हैं कि ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं। ओके, अब ऑड नंबर कौन से होते हैं, आप खुद सोचिए ऑड नंबर कौन से होते हैं। ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5। ओके, उसके बाद क्या होते हैं 7, उसके बाद 9, इसी तरह 11। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो अगर 1 से स्टार्ट करें तो उसमें अगर 2-2 प्लस करते जाएं तो वो ऑड नंबर बनते जाते हैं। यानी 1 में प्लस 2 करें तो 3, 3 में प्लस 2 5, 5 में प्लस 2 8। तो इसी तरह इसलिए हमने सबसे पहले एक वेरिएबल असाइन किया लूप चलाने के लिए, उसका नाम क्या रख दिया, ए। ठीक है, इंटीजर ए रख दिया और फॉर की लूप बनाई और उसको इनिशियलाइज कहां से किया, 1 से। 1 से किया और कहां तक, जहां तक भी आपने ऑड नंबर प्रिंट करवाने, आपने 1000 तक करवाने हैं, 50 तक करवाने हैं, 100 तक करवाने हैं, तो कर लिया। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहां पर, क्या कर देता हूं, 50 लिख देता हूं। 50 लिखा कि 1 से लेकर 50 तक नंबर प्रिंट हो। अभी मैं फिलहाल ना इसका जो इंक्रीमेंट है वो प्लस 1 कर देता हूं। अगर 1 का इंक्रीमेंट हो तो क्या होगा, सबसे पहले ए की वैल्यू 1 है, यहां पर ए प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरी बार 2 आएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 होगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं रन करके दिखाता हूं, तो देखिए 1 से लेकर ये 50 तक गिनती लिख देगा। ये देखिए 1 से लेकर 50 तक गिनती लिख दी, लेकिन हम चाहते हैं कि 1 के बाद ये 3 प्रिंट करे, फिर 5, फिर 7, फिर 8, 7 के बाद 9, फिर 11। तो आप सोचेंगे ये किस तरह प्रिंट हो सकता है, अगर पहला नंबर प्रिंट होने के बाद 2 का इंक्रीमेंट हो तब 3 आएगा, फिर दूसरा नंबर प्रिंट होने के बाद फिर 2 का इंक्रीमेंट हो तब ये प्रिंट आएगा। इसी तरह अगर 2 का इंक्रीमेंट हो तो क्या चीज आ रही है, मेन चीज कि इंक्रीमेंट 2 का अगर हो तो तब ये आके ऑड नंबर प्रिंट होंगे। तो हम ये जो इंक्रीमेंट है ना, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ, इसको हम एडिट करके इंक्रीमेंट 2 का बना देते हैं। किस तरह, ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 कर देते हैं। ओके, इसका क्या मतलब है, पहले 1 प्रिंट हो उसके बाद 2 का इंक्रीमेंट हो, यानी 3, फिर 5, इसी तरह ये ऑड नंबर प्रिंट कर देगा। ओके, इसको मैं रन किया तो ये देखें 1, 3, 5, 7, 8, 7 के बाद 9, फिर 11। समझ आ गई, स्टार्टिंग हमने 1 से की और 50 तक लेके गए, इंक्रीमेंट 2 का कर दिया, स्टार्ट 1 से होगा, ऑड नंबर। अगर हम चाहते हैं इवन नंबर हो तो तब आप सोचिए इसी को एडिट करना हो तो किस तरह करेंगे। इवन नंबर किस तरह होते हैं, 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6। तो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, 0 से। तो सबसे पहले तो लूप को हम इनिशियलाइज 1 की बजाय 0 से कर देंगे। 0 से लेकर 50 तक करवाना है ना, तो इंक्रीमेंट 2 का ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 0 के बाद 2 आना चाहिए, तो 0 प्लस 2 2, 2 के बाद फिर 4 इवन नंबर होता है, तो 2 में फिर 2 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो इंक्रीमेंट 2 का ही रहेगा। लेकिन ये जो इनिशियलाइजेशन है ये चेंज कर देंगे। इनिशियलाइजेशन अगर 1 से करेंगे तो ऑड नंबर प्रिंट होंगे, अगर 0 से करेंगे तो इवन नंबर होंगे। अब मैं इसको करता हूं सेव और इसको रन करता हूं F11 से, तो आप देखेंगे ये देखें 0, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये 50 तक इसने इवन नंबर प्रिंट करवा दिए। ओके, ये समझ आ गई इसके पीछे की लॉजिक, के एक लूप एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, उसकी हमने लिमिट सेट कर दी यहां से यहां तक, और उसमें इंक्रीमेंट का बस ध्यान में रखना है कि ये इस तरह से इंक्रीमेंट करेगा। तो ये था प्रोग्राम कि हम लूप को यूज करते हुए इवन नंबर और ऑड नंबर प्रिंट कैसे करवा सकते हैं एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आने वाले हैं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।